बीमारी और एक्सीडेंट की वजह से कई बार लोगों की जान पर बनाती है और ऐसे में उनकी जिंदगी बचाने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड की जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन ब्लड डोनेशन को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं हैं। लोगों को लगता है कि इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है या बीमारियां हो सकती हैं। लोगों के मन में ऐसी धारणाओं को दूर करने और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर हम आपको देंगे जिंदगी बचाने वाले इस ब्लड के बारे में कुछ जरूरी और दिलचस्प जानकारी। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ होता है। ये चार ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव में बटे होते हैं, लेकिन ब्लड देते समय ये जानना बेहद जरूरी है कि जिसे ब्लड दिया जा रहा है और जिसका ब्लड लिया जा रहा है वो मैच करता है या नहीं, और किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। सभी खून हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला डोनर ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड दे सकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड दे सकता है। वहीं बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला डोनर बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड डोनेट कर सकता है। जबकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। वहीं बात करें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले डोनर की, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट कर सकता है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड दे सकता है। वहीं ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला डोनर ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर बी पॉजिटिव ग्रुप वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। 38.13% लोगों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। वहीं 27.85% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। 20.8% लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और 8.93% लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। क्या आपको अपने एक यूनिट ब्लड की सही कीमत पता है? जी नहीं, हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिंदगी की। आपका एक यूनिट ब्लड चार लोगों की जिंदगी बचा सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो ये भी आपको बताते हैं। एक यूनिट ब्लड से पैक्ड रेड ब्लड, एक एक यूनिट प्लाज्मा और प्लेटलेट्स बनाई जाती है। पैक्ड रेड ब्लड यानी PRBC सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लड कंपोनेंट है। ये खराब गुर्दे, कार्डियोवैस्कुलर या हेपेटिक फंक्शन वाले मरीजों में फायदेमंद होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक जरूरी हिस्सा होता है। हम सभी के शरीर में जितना ब्लड है उसका 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। कोरोना काल में प्लाज्मा काफी लोगों ने डोनेट किया था। प्लेटलेट्स वो ब्लड सेल्स होते हैं जो थक्के बनाते हैं और खून बहने से रोकते हैं। प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप भी जान गए होंगे कि एक यूनिट ब्लड से क्या कुछ मिल सकता है और दूसरों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक भारत में 2760 ब्लड बैंक्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कितने खून की जरूरत रोज पड़ती है? आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हर साल करीब 5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन केवल 2.5 करोड़ यूनिट ही ब्लड मिल पाता है। सबसे बड़ी और जरूरी बात, हर 2 सेकंड में किसी न किसी को खून की जरूरत होती है। रोजाना 38,000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। ब्लड ग्रुप ओ की जरूरत ज्यादा होती है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग ब्लड कैंसर से पीड़ित होते हैं और इनमें से ज्यादातर को खून की जरूरत पड़ती है। औसतन हर व्यक्ति में 10 यूनिट ब्लड होता है और ब्लड डोनेशन के वक्त 1 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेट होता है। वैसे तो देश में 770 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन आज भी पूर्वोत्तर भारत में 30 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्लड बैंक तक नहीं है। ये डेटा ई रक्तकोश से लिया गया है। कुछ रोचक बातें भी ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बी नेगेटिव के अलावा ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव बेहद रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जो जल्दी नहीं मिलते हैं। RH नल और बॉम्बे भी बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है। एक और बहुत मुश्किल से मिलने वाला ब्लड ग्रुप जिसका नाम EMM नेगेटिव है। हाल ही में गुजरात में इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति मिला जो भारत का पहला और दुनिया का 10वां ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव है। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप सांपों में होते हैं। इनमें 1910 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं।
साइज को देखते हुए आपको लगता होगा कि हाथी में सबसे ज्यादा खून पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा खून शार्क में 190 से 220 लीटर तक खून होता है, जबकि हाथी में 45 से 50 लीटर तक खून होता है। ब्लड ग्रुप किसी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताता है, इस बारे में सबसे पहले 1930 में जापानी प्रोफेसर तोकेजी फुरुकावा ने रिसर्च कर बताया था। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति काफी बुद्धिमान होते हैं और सभी का विश्वास हासिल करने में यकीन रखते हैं। वहीं बी ब्लड ग्रुप वाले लोग काफी सुंदर और स्मार्ट होते हैं, रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के लोग दूसरे लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। इतना ही नहीं, कई देशों में जैसे जापान में ही लड़का लड़की के ब्लड ग्रुप का पता लगाने के बाद ही जीवन साथी चुना जाता है। इसकी वजह भी प्रोफेसर तोकेजी फुरुकावा की रिसर्च मानी जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में ब्लड की मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। साल 2021 में ब्लड की मांग करीब 1.46 करोड़ यूनिट रही, लेकिन आपूर्ति में 1.25 करोड़ यूनिट ही रही। 6 अप्रैल 2022 को मेडिकल जर्नल प्लस वन में CMC वेल्लोर की एक स्टडी में बताया गया कि इंडिया में एलिजिबल ब्लड डोनर्स की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा आबादी है। इसके बावजूद भारत में हर साल 10 लाख यूनिट ब्लड की कमी दर्ज की जा रही है। स्टडी में यह भी बताया गया कि भारत में हर साल सबसे ज्यादा 41.2% यानी कि करीब 60 लाख ब्लड यूनिट की मांग अस्पतालों में डे केयर में आती है, जहां थैलेसीमिया या एनीमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को ब्लड चढ़ाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी मांग अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशन में आती है। केवल सर्जरी के लिए देश के अस्पतालों में सालाना 27.9% यानी 41 लाख ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ती है। चाइल्ड बर्थ और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए 22.4% यानी 33 लाख और बाल रोग के लिए 8.5% यानी 12 लाख यूनिट की मांग होती है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं, जैसे हेमोक्रोमेटोसिस से बचाव, इम्यूनिटी बढ़ती है, दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, इसी के साथ कैंसर का खतरा भी कम होता है, वजन पर नियंत्रण रहता है, मेंटल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक हेल्दी डोनर को हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए और 18 से 65 साल के बीच के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डोनर का हीमोग्लोबिन 12.5% से ज्यादा होना चाहिए और कम से कम 45 किलो उसका वजन होना चाहिए। ब्लड डोनेशन से आप किसी जरूरतमंद की जान तो बचाते ही हैं, साथ ही आपकी सेहत को भी कई तरह के फायदे होते हैं, इसलिए ब्लड डोनेट जरूर करें। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।